दोस्तों, मैं उस चैनल आप देख रहे हैं नोडी मेटल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ क्यूब सिलेक्शन टूल के बारे में, उससे आप आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, बगैर टाइम रह के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी एक क्विक मार्क्स को यूज़ करना सीखा। क्विक मार्क्स क्या होता है? क्विक मार्क्स भी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए काम आता है और बहुत ही बेहतरीन टूल होती है। क्योंकि जिसको बिल्कुल ही बैकग्राउंड रिमूव करने के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी टूल है। मिसाल के तौर पर चलो इसमें इसको बता देते हैं। ठीक है, की मिल जाए मुझे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लेकिन मेरी सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको सिलेक्ट कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्विक मार्क्स ले लेता हूँ। क्विक मार्क्स लेने के लिए आपने सिर्फ टूल प्रेस करना है, लेकिन मेक श्योर कि आपका लॉक ऑन हो। उसको हमने क्विक मार्क्स ले लिया और ब्रश टूल ले लिया। अब आपने बस कलर करना है, आपने कलर करना है। अगर ऑरेंज कलर आ रहा है तो दैट मीन ये सिलेक्शन में जा रहा है। बस कुछ भी नहीं करना है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे से इसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तकिया काटूंगा, सही है। इसमें देखो, अगर गलती से बाहर कलर आ जाए तो कमेंट को नहीं चाहिए कि हम रफली कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर बाहर आ जाए तो कलर चेंज करके, तो जैसे बस मास्क ही हो रहा है। मास्क में क्या करते हैं कि हम अगर कोई चीज़ बाहर आ जाए तो हम कलर चेंज करके उसको अंदर से साइड कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर रहे कि ये पूरी सही तरीके से फिल होना चाहिए। कहीं से भी हल्का सा रह जाएगा तो ये वहाँ से पकड़ेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा सफाई से करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन बनेगी। फिलहाल मैं रख कर लूँ। जब आपने कर लिया, अब आप देख रहे हैं कि आप मुख्तलिफ है, तो अपना ब्रश थोड़ा चेंज कर लें, यानी कि थोड़ा कलर वाला ब्रश है और कलर चेंज कर लें, साइज को कम कर लें, और जहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया आपके पास आपको रिमूव कर लें। और क्या है, और फिर हम अपने आपको डिजाइनर कह रहे हैं। तो टाइम भले एक पिक्चर पे आपको लग जाए, जितनी डिटेल में काम करोगे उतना ही बेहतरीन आपका काम होगा। कि कहीं से भी कोई चीज़ छुट्टी भी ना हो, कहीं से भी अगर हल्की सी भी छुट्टी भी होगी तो दैट मीन कि वो चीज़ सिलेक्शन में नहीं है। अभी हमारा पूरा मार्क्स हो गया, जब मार्क्स हो जाए तो क्यू दबा देना है और ये आपका पूरा का पूरा मार्क्स। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दोगे तो रिवर्स में सिर्फ लड़की सिलेक्ट हो जाएगी। आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है तो बैकग्राउंड को, ठीक है, अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन में जाएं और मॉडिफाई पे जाएं, स्मूथ सिलेक्शन में। ठीक है, कितनी परसेंट करनी है, 2% करें तो आपकी जो सिलेक्शन होगी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। आप चाह रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी बढ़ जाए माइनस, तो सिलेक्शन में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, आप अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर देंगे, कम भी कर सकते हैं। 2% कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी बैकग्राउंड से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल ऐड कर लेते हैं, फिल्टर में गए तो सिलेक्शन में गए, मॉडिफाई में गए, अगर आपने अपनी सिलेक्शन थोड़ी सी कम करनी है तो कॉन्ट्रास्ट पर आ जाएंगे, 1% कम करनी है, 2% कम करनी है, 2% कम कर जाएंगे, सिलेक्शन आपकी थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाएगी।
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वो तो हमने करीब ये सिलेक्शन को मिल सकते हैं, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाना पड़ता भी रहेगा। इसके थ्रू आप ये भी कर सकते हो, अच्छे से आप इनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया।